आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। गोवा उत्तराखंड में उत्साहजनक मतदान, भारत सरकार ने फिर से 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। L&T कंपनी को फर्जी करार देकर विधायक अभय पाटिल ने की कड़ी आलोचना। गोवावेश व्यापारी संकुलन ना हटाने की मांग। जलपूर्ति समस्या के संबंध में अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा। श्री समादेवी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रंगोली के सप्त रंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। और अब समाचार विस्तार में। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज यानी सोमवार को गोवा और उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हुआ है। ऐसे में BJP को इन तीनों राज्यों में से सत्ता बरकरार रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नतीजन यह पता चला है कि मतदान बहुत सुचारू था। इस चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आने वाली लोकसभा चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में तीन राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ है। प्रशासन ने दावा किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी जगहों पर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ है। गोवा में 11 लाख मतदाता है, जबकि उत्तराखंड में 81 लाख मतदाता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विपक्ष के नेता दिगंबर कामत, चर्चिल अलेमाओ, रवि नाइक, लक्ष्मीकांत पारसेकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर मैदान में हैं। भारत सरकार ने फिर से 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र सरकार ने 54 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने निर्णय जारी करते हुए कहा कि ये ऐप भारतीयों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इनमें से कई प्रतिबंधित ऐप्स प्रमुख चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों से संबंधित है, जैसे कि गेमिंग फर्म। और 2012 से भारत में जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हुए थे उनका नाम बदल दिया गया है या किसी अन्य ब्रांड के तहत फिर से लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा प्रबंधित इस आधार पर लगाया गया था कि ऐप्स भारतीयों के गोपनीय और संवेदनशील डेटा को चीन जैसे विदेशी सर्वरों में स्थलांतरित कर रहे थे। गूगल के प्ले स्टोर समेत टॉप ऐप स्टोर को ऐप को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा, भारत में प्ले स्टोर पर 54 ऐप्स पहले ही ब्लॉक किए जा चुके हैं। मेती ने इस आदेश को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। L&T कंपनी को फर्जी करार देकर विधायक अभय पाटिल ने की कड़ी आलोचना। शहर की जलपूर्ति करने वाली L&T कंपनी की फर्जी होने की आलोचना विधायक अभय पाटिल ने की है। उन्होंने सोमवार को L&T कंपनी के अधिकारियों से बैठक की। नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, पूड़ा आयुक्त प्रीतम नरसपुरे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक की और विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए अधिकारी उलझ गए। शहर की 24 घंटे पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। यह अन्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी पानी के लिए दाई और मुड़ने का है, इसीलिए इस कंपनी का प्रबंधन नागरिकों के लिए घृणित हो गया है। उसे डंप करने और आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि कंपनी द्वारा अगले 4 दिनों में आवश्यक मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाए, अन्यथा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर जवाब मांगा जाएगा। L&T कंपनी का काम घटिया किस्म का है।
इसको लेकर नागरिकों ने हमसे शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा सत्र को रद्द करते हुए आज बेंगलुरु में अधिकारियों की बैठक कर रहे थे। हालांकि कुछ अधिकारियों को बैठक में शामिल होने से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन बंद करते देखा गया। ऐसे अधिकारियों को उचित समझ देने के लिए कार्यवाही की जाएगी, ऐसा अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। गोवा वेस व्यापारी संकुल ना हटाने की मांग। महानगर पालिका गोवा वेस व्यापारी संकुल को ध्वस्त करने की योजना बना रही है। इसको लेकर कारोबारी समुदाय चिंतित है, इसलिए व्यापारियों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। इस मांग को लेकर सोमवार को एक बार फिर जिला अधिकारी को बयान दिया गया। साथ ही बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल को मामले को सुलझाने के लिए कहा गया था। गोवा वेस के इस व्यापार परिसर में 56 व्यापारी है, यह उनकी आमदनी का जरिया भी है। अगर इस तरह के पैकेज को गिराया जाता है तो इन व्यापारियों को भारी नुकसान होगा, साथ ही उनके परिवारों को बेनकाब किया जाएगा। मांग की गई कि इसे गंभीरता से लिया जाए और इन्हें विस्थापित न होने दिया जाए। मांग का बयान पेश करते हुए ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद पाटिल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जलापूर्ति समस्या के संबंध में अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा। बेलगाम दक्षिण के अभय पाटिल ने रविवार की सुबह वार्ड 42 और 43 का साइकिल से चक्कर लगाया। इस दौरान विधायक अभय पाटिल ने जलापूर्ति की समस्या को लेकर अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार सुबह 6 बजे से उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। वार्ड 42 और 43 में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक अभय पाटिल के साथ नगर निगम के अधिकारी, गैस पाइपलाइन, सफाई, सड़क, जल निकासी, सीवरेज, जलापूर्ति, हेस्कॉम, स्मार्ट सिटी और एलएनटी के अधिकारी मौजूद थे। साथ ही इस दौरे में संबंधित वार्डों के नगर सेवकों ने भी भाग लिया। इस दौरान लोगों की ओर से जलापूर्ति को लेकर तीखी शिकायतें की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए विधायकों ने जलापूर्ति कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने मामले के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए। श्री समादेवी जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोमवार को श्री समादेवी जन्मोत्सव का मुख्य दिन था, जिसका आयोजन श्री समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संगठन एवं वैश्यवाणी महिला मंडल समादेवी गली बेलगाम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर सुबह चौघड़ा वड़ान और काकड़ आरती की गई। तत्पश्चात प्रातः 7 से 11 बजे तक श्री समादेवी का विभिन्न फलों, सूखे मेवे, पंचामृत, दही और हल्दी के जल से अभिषेक किया गया। रविवार शाम बेलगाम दक्षिण संभाग के विधायक अभय पाटिल ने देवी के दर्शन लिए। अभय पाटिल ने समुदाय का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न समुदायों के मंदिरों के लिए वित्तीय योजनाओं को लेकर आई है, इसका लाभ उठाने के लिए समाज के कार्यकारी बोर्ड को पहल करनी चाहिए। सोमवार 3 बजे पुराण का पाठ हुआ, उसके बाद 4 बजे श्री पालकी प्रदक्षिणा शुरू हुई, जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। एक्सक्लूसिव गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनियम ज्वेलरी शोरूम। Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaon vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके के कार्यालय में पथराव कर तोड़फोड़ की गई। यह घटना सोमवार की सुबह को स्पष्ट हुई। घटना के कारणों की पड़ताल करते हुए पुलिस को अलग अलग जानकारियां मिली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह वारदात एक शराबी ने की है। बताया गया कि रात 11 बजे के बाद एक बार में शराब नहीं मिलने पर गुस्से में यह कृत्य किया गया। शराबी सेंट्रल बस स्टेशन के पास एक बार में गया था। समय पूरा होने के कारण वहां शराब नहीं मिली, इसलिए उन्होंने विधायक को फोन लगाया, लेकिन विधायक अनिल बेनके ने फोन नहीं उठाया। समझा जाता है कि वह गुस्से में चवाट गली में आ गया और विधायक कार्यालय पर पथराव कर दिया। पुलिस की जांच चल रही है। हंदीगनूर ग्राम पंचायत द्वारा मकानों के वितरण में गैर व्यवहार की शिकायत। बेलगाम तालुका में हंदीगनूर ग्राम पंचायत की ओर से घरों का वितरण किया गया है, लेकिन इसमें गैर व्यवहार हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की है। इस संबंध में सोमवार को जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। भारी बारिश के कारण घरों के ढह जाने से हंदीगनूर क्षेत्र के कुछ निवासी बेघर हो गए। उन्हें सरकारी योजना के तहत मकान उपलब्ध करने का निर्देश दिए गए। हालांकि बयान में कहा गया है कि बेघर लाभार्थियों को दूसरे से पैसे लेकर मकान आवंटित किए गए हैं। यह भी मांग की गई है कि मकानों के वितरण की जांच कर सही हितग्राहियों को मकान बांटे जाए। स्कूल शुरू, कॉलेजों को अभी इंतजार। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार से शहर और आसपास के स्कूलों में कामकाज फिर से शुरू हो गया। कहा गया है कि गुरुवार से कॉलेजों का काम शुरू हो जाएगा, इसलिए कॉलेज के छात्रों को इंतजार करना होगा। पिछले सप्ताह तनावपूर्ण स्थिति के कारण स्कूलों को बंद घोषित कर दिया गया था। माध्यमिक स्कूल और कॉलेज बंद रहे, उसके बाद सोमवार से माध्यमिक विद्यालयों का काम शुरू हो गया। हिजाब विवाद ने राज्य में तनाव पैदा कर दिया था। छात्रों को कोई खतरा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। सरकार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सोमवार से स्कूल परिसर में फिर भीड़ नजर आई। सागरे दोड्डे बेल यात्रा के लिए बस शुरू करने की मांग। 16 वर्ष बाद हो रही महालक्ष्मी यात्रा के लिए सागरे दोड्डे बैल तालुका खानापुर में आने वाले भक्तों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए खानापुर बस डेपो से तत्काल बस सेवा प्रारंभ की जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से की गई। इस मांग को लेकर युवा समिति के पदाधिकारियों ने डेपो के प्रबंधक से मुलाकात कर बयान दिया। यात्रा के दौरान पर्याप्त बस सेवाओं की योजना बनाने की मांग की गई, क्योंकि दोनों गांव बाईपास पर है। प्रभारी डेपो प्रबंधक महेश तिरकन्नवर को बयान दिया गया। इस दौरान यह प्रबंधक पीपी चिमानी, खानापुर युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष किरण पाटिल, सचिव सदानंद पाटिल, राजू कुंभार आदि उपस्थित थे। ऑपरेशन मदद के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए जैविक खेती का मार्गदर्शन। खानापुर तालुका के सुदूर गोलडाली गांव के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जैविक खेती का पाठ पढ़ाया गया। यह पहल ऑपरेशन मदद द्वारा की गई थी। इस पहल के संयोजक राहुल पाटिल ने ग्रामीण शिक्षण अभियान पहल के तहत दिसंबर माह में रोपण के लिए बीज दिए गए थे और जैविक खेती का महत्व बताया था। इसी तरह लड़के लड़कियों ने जैविक खेती के साथ प्रयोग करने के बाद पौधे तैयार किए। स्कूल के लड़के लड़कियों द्वारा बनाए गए सभी रोपों को देखने के बाद बेलगाम के कार्यकर्ताओं ने समाधान प्रकट किया। प्रसाद हुली, विक्टर फ्रांसिस, कार्तिक शाह, विक्की मेहता और दिव्या शाह मौजूद थे। फुलबत्ते कॉलोनी में 8 लाख की चोरी। फुलबत्ते कॉलोनी के एक घर में दो चोरों ने सुबह 8 से 9 बजे के बीच 8 लाख रुपए की चोरी की। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। घटना व्यवसायी सुनील बीजापुरे के बंगले पर हुई। घर में आए मेहमानों को छोड़ने के लिए कार ने खुद कोगनोली नाका जाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बीजापुरे जैसे ही संकेश्वर पहुंचे, उनके पड़ोसी ने उन्हें फोन किया और बताया कि आपके घर के सामने दो युवक बैठे हैं। इस बारे में जानने के लिए बीजापुरे ने अपने रिश्तेदारों को घर पर भेजा। बीजापुरे के रिश्तेदार घर पहुंचने से पहले ही सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और पीछे का दरवाजा भी खाली था। तिजोरी का ताला भी टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। उसने बीजापुरे को फोन किया और उसे बताया कि क्या हुआ था। शाहपुर पुलिस निरीक्षक विनायक बड़ीगर अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रो लीग हॉकी, फ्रांस से भारत को हार।
टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम प्रो लीग हॉकी में हार गई। शनिवार रात के मैच में फ्रांस ने भारत को 5-2 से हराकर जीत की हैट्रिक को नाकाम कर दिया। भारतीय टीम दुनिया में 5वें स्थान पर है, जबकि फ्रांस 12वें स्थान पर है। इसके अलावा मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले हफ्ते पहले दौरे में मैच में फ्रांस को मात दी थी, इसलिए दूसरे मैच के लिए भारत की परेड को भारी माना गया। युवा विश्व चैंपियन ओस्तवाल तांबे महाराष्ट्र की रणजी टीम में। बाएं हाथ के स्पिनर विक्की ओस्तवाल और भारत के युवा विश्व कप विजेताओं में से कौशल तांबे को महाराष्ट्र की रणजी टीम में रखा गया है। ग्रुप सी में शामिल महाराष्ट्र को अपना पहला मैच 17 फरवरी से हरियाणा के खिलाफ खेलना है। अंकित बावने की अगुवाई वाली टीम का उपकप्तान प्रमुख बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को बनाया गया है। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ रणजी ट्रॉफी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।